फ्रेंड्स, आज मैं फिर से कुछ प्लांट्स बाय करके लेकर आई हूँ। तो मेरे साथ फिर से वही हुआ फ्रेंड्स कि मैंने ये सोचा था कि अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है तो हो सकता है कि हमारे सर्दियों के प्लांट्स आ गए होंगे, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ की नर्सरी में नहीं आए। उसकी वजह ये है फ्रेंड्स कि रात में तो हल्की ठंडक होने लगी है, लेकिन दोपहर में धूप अभी भी बहुत तीखी हो रही है, बहुत तेज़, क्योंकि बरसात 10-15 दिन पहले तक के काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से अब धूप जो निकल रही है तो काफ़ी तेज़ धूप लग रही है। तो आए नहीं, अभी कह रहे थे कि 2-4 दिन में आ जाएंगे, लेकिन फिर भी मेरे पास जो जो प्लांट नहीं थे, जो मुझे न्यू लगे, मेरे घर में नहीं थे, मेरे गार्डन में, तो मैंने सोचा कि लाओ अब आए हैं तो कुछ ना कुछ तो लेके, क्योंकि नर्सरी जाने के बाद फ्रेंड्स दिल मानता ही नहीं कि बिना कुछ लिए जाया जाए, क्योंकि सारे ही प्लांट्स अपनी अपनी जगह खूबसूरती रखते हैं। हर प्लांट को देखने के बाद दिल करता है कि हम ये प्लांट भी अपने पास रखें। तो देखें, ये कुछ प्लांट्स हैं, मैं सबके नाम और प्राइस बताते चलूँगी, क्योंकि पिछली बार मेरे पास काफ़ी लोगों ने कहा कि मैम आप प्राइस नहीं बताती हैं, तो मैं प्राइस भी आपको अब की बार बताऊंगी। तो ठीक है, शुरू करते हैं। ये देखें, सबसे पहले तो ये पाम है, ये शायद छोटा वाला पाम है, क्योंकि वो भैया जी तो कुछ सही से बता नहीं पा रहे थे, लेकिन मुझे देखने में ऐसा लगा कि ये उतना बड़ा नहीं, क्योंकि इसकी पत्तियाँ देखें अलग हैं, है ना। ये छोटी वैरायटी का, ड्रॉफ वैरायटी का जिसे कहते हैं, वो है ये, और काफ़ी अच्छा था, हेल्दी प्लांट था। नीचे से देखें 3-4 बेबीज भी हैं इसके, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, तो ये मैंने ले लिया। और मेरे पास स्टैंड पाम इससे पहले भी था फ्रेंड्स, हाँ सॉरी, इसका नाम नहीं बताया मैंने, ये 100-100 के कह रहे थे, लेकिन 80 रुपीज़ का उन्होंने मुझे दिया है। और ज़्यादातर फ्रेंड्स जो इस तरह के प्लांट होते हैं 100 से ही शुरू होते हैं, और फिर 150-200 जैसे जैसे उनकी एज होती है, जितना बड़ा होता है उस हिसाब से वो रेट बताते हैं। और ये था, देखें, ये मेरे पास इससे बड़े पहले भी है फैन पाम, लेकिन ये छोटा सा था, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैंने फिर से पेयर ले लिया इसका, दो, एक ये एक ये, लेकिन वो मेरे पास जो पहले है वो अलग वैरायटी का है और ये अलग वैरायटी का है, तो इसलिए मैंने इसे भी ले लिया। वो मेरा जो है ना, ये बस इतना हाफ रहता है, और ये थोड़ा नीचे तक के इसके ये पत्तियाँ जो इस तरह फैन जो इसका ये बन रहा है, ये नीचे तक के जा रहा है, और वो मेरा हाफ रहता है, तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैंने ये फिर से ले लिया। और ये मुझे फ्रेंड्स 50-50 कह रहे थे, लेकिन 40-40 का उन्होंने ये भी मुझे दिया है फैन पाम। और उसके बाद आते हैं, ये मैंने लिया था अपराजिता है, ये एक वाइट कलर की है और एक ब्लू कलर की, दो लिया मैंने, तो ये मुझे उन्होंने 20-20 रुपीज़ की दिए हैं। और ये है क्रोटन, ये वाला क्रोटन मेरे पास नहीं था, छोटा छोटा सा प्लांट है, भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन किसी छोटे से पॉट में लगाऊंगी मैं तो खूबसूरत लगेगा ये, तो ये भी मुझे उन्होंने 50-50 कहा था और 40-40 का दिया है। और उसके बाद है ये वाइट वाली बोगनविला, फूल तो नहीं निकल रहे इसमें भी, लेकिन गारंटी के साथ उन्होंने कहा है कि ये वाइट है, तो मेरे पास वाइट नहीं थी इससे पहले, मैं पिंक कलर और येलो कलर कह के दिया, लेकिन अभी तक उसमें भी फ्लावर नहीं निकले हैं, तो ये मुझे वाइट वाला बोगनविला 80 का, 100 वही मतलब बताया मैंने, 100 कहते हैं लेकिन फिर 70-80 ऐसा दे देते हैं, तो समथिंग 70-80 ऐसा ही कुछ है, मुझे याद नहीं बराबर से। और ये मुझे मिला है 80 रुपीज़ का, ड्रेसिना है ये, ड्रैगन ड्रेसिना कहते हैं इसे, और एक ये और एक ये रेड वाला, तो दोनों ही मैं लेके आई हूँ। इससे पहले मेरे पास सॉन्ग ऑफ इंडिया है, विक्टोरिया ड्रेसिना है, ये नहीं था, तो अब की ये भी मैं लेकर आ गई हूँ। तो जो जो नहीं थे मेरे पास वो मैंने सोचा अब आए हैं तो खाली हाथ क्या जाना, ले चलते हैं कुछ ना कुछ, तो ये भी 80-80 के हैं। और फिर उसके बाद हैं ये फायर बुश के नाम से फ्रेंड्स ये जाना जाता है, और हमेलिया पेट्रेंस के नाम से, वैज्ञानिक नेम इसका जो है, साइंटिफिक नेम जो है हमेलिया पेट्रेंस, और हमारी आम भाषा में इसे फायर बुश कहते हैं। तो ये भी मुझे 80 का मिला, 100 कह रहे थे 80 का दिया है, अब पता नहीं सस्ता है कि महंगा है, लेकिन काफ़ी अच्छा बड़ा प्लांट था, काफ़ी ब्रांचेस भी हैं। कभी भी फ्रेंड्स आप नर्सरी जाएँ ना, तो जब प्लांट खरीदें तो सबसे पहले उसके नीचे की स्टेम देखें, और फिर उसमें ब्रांचेस कितनी हैं वो देखें, उसकी हेल्थ देखें, अच्छा ग्रीन प्लांट ढूंढ कर ही अपने लिए आप लें, जल्दबाजी ना करें।
और ये एक था मेरे उनके पास सिंगल ही था, इसमें और कोई दूसरा प्लांट था ही नहीं, तो मेरे लिए कोई ऑप्शन ही नहीं था कि मैं दूसरा लूँ। तो ये मैं आपको दिखा रही थी, हाँ कि देखेंगे नीचे से ये काफी मजबूत है और फिर ये ब्रांचेस यहाँ से इस, ये दो हो गई हैं और ऊपर आने के बाद इसमें भी तीन हैं और इसमें जो है इधर पे चार हैं। ये काफी बुशी है, झाड़ी नुमा है तो, और सबसे ये है खूबसूरत लगने वाला प्लांट फ्रेंड्स, इंडोर हम रख सकते हैं सेमी शेड में या अपनी बालकनी में या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पर छन के थोड़ी बहुत धूप विंडो वगैरह से आती हो। तो ये बैम्बू पाम है, इसमें भी बहुत सारी वैरायटीज आती हैं। ये फिलहाल उनके पास एक सिंगल पीस ही था और इसमें से कोई दूसरा नहीं था कि मैं सिलेक्ट करती कि जिसमें से बेबी ज़्यादा होते, जैसे ये तीन ही लगा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं और काफ़ी अच्छा भी है। देखें इसकी ग्रोथ हो रही है, हर टिप ये स्टिक पे एक पत्ती इसकी निकल रही है, ये देखें तीन है, तीनों पे निकल रही है। और इसमें एक ख़ास बात यह है कि ये साइड से भी देखें स्प्राउट निकाल रहा है, ये साइड से भी ग्रोथ करेगा, ये देखिए। और एक तो ये टूट के लाने में गिर गया है, गाड़ी में लेकर आने में गिर गया ये टूट कर। तो ये थी फ्रेंड्स मेरी आज की शॉपिंग, और एक और है भी दिखाती हूँ मैं आपको। मुझे खुद को नहीं पता, वो तो यही कह रहे थे कि बॉटल पाम है, पता नहीं बॉटल पाम है या क्या है। ये 90 रुपीज का उन्होंने दिया है, काफी बड़ा है। और ये है इसका तना, अब वो कह रहे थे बॉटल पाम है तो हो सकता है बॉटल पाम ही हो, लेकिन ये तो जब तक के तना इसका ज्यादा अच्छा नीचे से मोटा और मजबूत नहीं होता है तब तक के हमें नहीं पता चलेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की शॉपिंग, कैसी लगी जरूर बताइए। अब दिवाली के बाद ही हम फिर से जाएंगे शॉपिंग करने, शायद प्लांट्स हमें मिल जाएं। तो कैसी लगी ज़रूर बताइए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।